सो हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ अगर आप लोग के 1 GB डाटा पूरे दिन यूज़ करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। गाइस आज की वीडियो में आप लोगों को यही बताने वाला हूँ, तो गाइस ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि आप लोग अपने ऑटोमेटिकली डाटा आपका खर्च हो जाता है और आपको पता नहीं चलता है कि मेरा डाटा ख़त्म हो जाता है, तो आप लोगों के पास 1 GB डाटा ही बचता है, तो आप लोग किस तरीके से इस डाटा को कंज्यूम कर सकते हो यानी कि पूरे दिन के लिए, ठीक है। तो गाइस ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और जो बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली न्यू लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच रहे। तो गाइस क्या करना है, आप लोग फ़ोन की सेटिंग ओपन कर लेना है। फ़ोन की सेटिंग ओपन करने के बाद अगर आपके पास जो भी कॉल कंपनी का फ़ोन है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ आप लोग सेटिंग एक ही होंगी, सिर्फ ध्यान से देख लेना। आप मेहनत करोगे, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है। इसके बाद आपको इस कॉल डाउन कर लेना है, ठीक है। इस कॉल डाउन कर लेना है। इस कॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे देखने मिल रहा है ऐप मैनेजमेंट, ठीक है। अगर आपके पास ऐप्स का ऑप्शन देखने मिलता तो आप उस पर भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखना ऐप मैनेजमेंट, इस पर क्लिक किया है। हम आपको 3 सेटिंग ऐसी बताएं जो भी हिडन सेटिंग होंगे और आप लोग तीनों हिडन सेटिंग के बारे में हम बताएंगे, ठीक है। तो गाइस क्या करना है, यहाँ पे देखने मिल रहा ऐप लिस्ट, इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे आता कुछ इंटरफेस इस तरीके का, ठीक है। तो आपके फ़ोन में जितने भी ऐप इंस्टॉल्ड हो जाते हैं सारे के सारे यहाँ पे शो हो जाते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, आप लोग ध्यान से देख लेना आपको सब एप्लीकेशनों को क्या करना है। जैसे कि मैं अमेजोन यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये इसको यूज़ नहीं करता हूँ, तो गाइस क्या करना है, आपको यहाँ पे बैकग्राउंड पे चलते रहते हैं, डिस्प्ले पे यहाँ पे रनवे करते रहते हैं। ये रनवे करने के लिए, इसको स्टॉप करने के लिए गाइस क्या करना है, आपको आपको यहाँ पे देख मिल रहा है डाटा यूज डिटेल्स, इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आता है कुछ इंटरफेस इस तरीके का, यहाँ पे देख मिल रहा है बैकग्राउंड डाटा है। ये बैकग्राउंड में रनवे करते रहते तो इसको यहाँ से ऑन, यहाँ पे ऑफ था, ऑन था तो यहाँ से ऑफ कर देना, ठीक है, इतना करना, ठीक है। तो यहाँ सब एप्लीकेशन एक एक करके यहाँ पे रनवे करती रहते हैं तो इसको यहाँ पे सबको यहाँ पे ऑफ कर देना। जैसे कि यहाँ पे ये सेटिंग है, इसको भी यहाँ पे सेटिंग है, यहाँ पे आ जाते हैं। ये भी है मेरा कॉल के नाम से, यहाँ पे माई क्रोम है, क्रोम को भी यहाँ पे रनवे करता था ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे डाटा यूजेस डिटेल्स पे आते हैं और यहाँ पे इसको भी यहाँ पे बैकग्राउंड डाटा से यहाँ पे इसको ऑफ कर देते हैं, ठीक है। तो आपको गाइस क्या करना है, सबको यहाँ पे एक एक करके एप्लीकेशन को यहाँ पे रनवे से, यहाँ से बैकग्राउंड से आप लोग को ऑफ कर देना, ठीक है। एक सेटिंग ये होती है, ठीक है। आप दूसरी सेटिंग करते तो गाइस को इसको बैक कर लेता है, ठीक है। बैक करने के बाद आपको अपने फ़ोन की सेटिंग ओपन कर लेना है बेसिकली, ठीक है। जैसे कि मैंने दोबारा से फ़ोन की सेटिंग ओपन कर ली है। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप लोग कहाँ आना है, अबाउट सेटिंग, ठीक है। अगर आपके फ़ोन MI का होता तो आपको MI वर्जन पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे रेडमी, रियलमी, ओप्पो, इसमें ये सेटिंग वर्क करती है। इसके बाद इस तरीके का आता है इंटरफेस, तो आपको यहाँ पे वर्जन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे बिल्ड नंबर आता तो आपको इस बिल्ड नंबर पे भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वर्जन पे क्लिक करता हूँ। वर्जन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आता कुछ इंटरफेस इस तरीके का, ठीक है। देख सकते हो ऊपर साइड में बिल्ड नंबर आ चुका है। इसके बाद बिल्ड नंबर अगर पहले पे ही आता तो आप लोग इस पे क्लिक कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे वर्जन पे आया, तो वर्जन के अंदर आया तो आपको वर्जन पे क्लिक करके अंदर आना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो बिल्ड नंबर पर यहाँ पे 5 से 7 बार प्रेस कर लेना चाहिए, हम कर लेते, देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो यू आर बिल्ड नंबर ऑन, ठीक है। तो उस किस तरीके आता है, ऑन हो चुका है। इसके बाद आप लोग गाइस क्या करना, अगर आपका फिंगर ऑलरेडी या फिर कोई पैटर्न आपने बना लिया है इस डिस्प्ले पे तो यहाँ पे आपको डालने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। फिलहाल मैंने नहीं बनाया इसलिए यहाँ पे अनलॉक हो चुका है, यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं आया। अगर आपका बनाया है, अपने डिस्प्ले पर है आपका पैटर्न, तो यहाँ पे आ जाएगा और उसको डाल देना, ठीक है। डालने के बाद आपको बैक आ जाना है, ठीक है। बैक आ जाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे बैक आ जाते हैं। इसके बाद आपको गाइस क्या करना, आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है, देख सकते हो यहाँ पे आ जाना नीचे एडिशनल सेटिंग। अगर आपके फ़ोन में एडिशनल सेटिंग है तो ठीक है, नहीं है तो एडवांस सेटिंग पे क्लिक कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एडिशनल सेटिंग पे क्लिक किया है। इसके बाद यहाँ पे आता है कुछ इंटरफेस इस तरीके का। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है, नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे देखने मिल रहा है डबल पर ऑप्शन, देख सकते हो डबल पर ऑप्शन, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आता है कुछ इंटरफेस। इसके बाद यहाँ पे 2 सेटिंग और कर लेनी ही होगी, हम आपको वही बताएंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो ध्यान से देख लेना और वीडियो अच्छी लगी होगी प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको नीचे आ जाना, ठीक है।
सो स्क्रॉल डाउन कर लेना। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे देखने वाला ऐप्स, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दो सेटिंग और कर लेनी होगी, हम आपको दो सेटिंग बताएंगे। यहाँ पे देखने वाला डोंट कीप एक्टिविटी, तो आप लोग इसको ऑन कर देना, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे इसी नीचे आ जाना, यहाँ पे देखने वाला मिल रहा है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, यहाँ पे देखने वाला बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कुछ आता है इंटरफेस, तो उसके बाद आप लोग नो बैकग्राउंड प्रोसेस पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो मैंने अपनी आप दो सेटिंग कर ली हैं। जब भी आप 1 GB डाटा यूज़ करोगे तो आप लोग इजी तरीके से कंज्यूम करोगे, ठीक है। तो मैंने पहले पे जो सेटिंग बताई है उसको भी आपको यहाँ पे आप लोग बैकग्राउंड डाटा से आपको ऑफ कर देना, क्योंकि वहाँ पे कई सारी एप्लीकेशन रनवे पे होती हैं, तो वहाँ पे कई सारी एप्लीकेशन डाटा को कंज्यूम करती रहती हैं, ठीक है। तो आप लोग जो भी मैंने आपको प्रोसेस बताए, 3 स्टेप बताए, तो आपने इजी तरीके से फॉलो कर लिए होंगे, ठीक है। तो गाइस आप लोग जब भी 1 GB डाटा होता तो आप लोग इजी तरीके से पूरे दिन कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए इस वीडियो में मुझे दीजिए विदा। नेक्स्ट वीडियो में आने की कोशिश करेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय।